का साउंड सुन लीजिए, डीजल इंजन है एम हॉक और आप इसका साउंड सुन सकते हैं। ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट, बंद करके भी इसका साउंड सुनाऊंगा कि कितना साउंड ये बार देता है। लेकिन इसमें आप पानी का बोतल नहीं रख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी चैनल पे, जिसका नाम है M2S कार इन्फो। दोस्तों आज हमारे पास है स्कॉर्पियो की S11 क्लासिक, जो कि स्कॉर्पियो का पुराना वर्जन था जिसे नए अवतार में पेश किया गया है। दोस्तों आज इस गाड़ी का हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, एसेसरीज पार्ट में क्या है, इसका माइलेज क्या है, ऑन रोड कितने में मिलती है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त मित्र सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके की के बारे में, तो इसमें कुछ इस टाइप की मिलती है जिसमें ये आपको फ्लिप की मिलती है और यहाँ पे आपको कार अनलॉक करने का बटन मिलता है, लॉक करने का बटन मिलता है और ये लैंप ऑन करने का बटन मिलता है, जिससे आप अपनी गाड़ी की लोकेशन, एग्जिट लोकेशन पता कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट के बारे में, तो फ्रंट में यहाँ पे आपको महिंद्रा का बड़ा सा लोगो मिलता है और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है, जो कि ये ग्रिल XUV700 से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पे आपको एक क्रोम लाइन दी गई है जो कि एक एसेसरीज का पार्ट है, आप इसे एसेसरीज में लगवा पाएंगे। आप यहाँ पे जो भी क्रोम का काम देख रहे हैं वो एसेसरीज का पार्ट है, आप इसे एक्स्ट्रा डलवा पाएंगे। बाकी बात करें इसके हेडलैम्प्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक LED DRL यहाँ पे दिया गया है और उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिया गया है और हेलोजन हेडलैम्प्स का भी सेटअप यहाँ पे दिया गया है हाई बीम और लो बीम के लिए। आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे और उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको LED लाइटें दी गई है जो फॉग लैंप के बिल्कुल ऊपर है, आपको हेलोजन फॉग लैंप्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बम्पर एसेसरीज का पार्ट है, आप इसे एक्स्ट्रा डलवा पाएंगे। स्कीड प्लेट भी आप इसके साथ देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा एडम दिया गया है और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए प्लेसिंग दी गई है। तो ये था गाड़ी का आगे का लुक और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो महिंद्रा की पुरानी स्कॉर्पियो थी उसमें ये एडम दिया जाता था, लेकिन ये इस गाड़ी के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक बार इसे खोल के भी दिखाऊंगा कि क्यों ज़रूरी नहीं है, ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन लुक के लिए महिंद्रा ने ये फिर से दिया है जो गाड़ी का लुक काफ़ी एनहांस कर रहा है। गाड़ी आगे से काफ़ी मस्कुलर लग रही है, काफ़ी बड़ी लग रही है। तो ये थी गाड़ी के फ्रंट की बात, अब हम बात करेंगे इसके साइड के बारे में, तो चलिए सीधा साइड में चलते हैं। दोस्तों ये है स्कॉर्पियो क्लासिक का साइड प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वाइपर्स के बारे में, तो यहाँ पर आप वाइपर देख सकते हैं बिल्कुल वो जो बेसिक वाइपर आते हैं आपको यहाँ पे ऑफ़र किए गए और यहाँ पे आपको एक वॉशर भी ऑफ़र किया गया है, तो यहाँ से आप इसका जो विंडस्क्रीन है वॉश कर पाएंगे। और मैं आपको एक बार इसका एंटीना भी दिखा दूँ, यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। तो अब बात करें इसके व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 17 inches के आपको एलॉय व्हील्स दिए गए और ये एलॉय व्हील बिल्कुल नए डिज़ाइन में आते हैं। तो ये महिंद्रा ने नए डिज़ाइन पेश किए, तो थोड़ा मतलब गाड़ी का लुक काफ़ी मुझे एनहांस लग रहा है, तो ये अच्छा लुक दे रहा है गाड़ी को। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए और एम हॉक की बेजिंग यहाँ पे दी गई है। और बाकी चले यहाँ पे आप इसके ओवरव्यू देखें, तो यहाँ पे आप क्रोम देख सकते हैं, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, एसेसरीज में डलवाया गया है और यहाँ पे क्रोम का यूज़ है। तो समझ लीजिए जितने भी यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है जितना भी, ये वो सब एसेसरीज का पार्ट है। ये भी महिंद्रा की बेजिंग आप देख सकते हैं, एसेसरीज का पार्ट है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो की बड़ी सी बेजिंग दी गई है, तो ये पूरी मतलब पीछे की जो विंडो है, दरवाज़ा है, वहाँ तक ये फैली हुई है। बाकी गाड़ी में अच्छे से चढ़ने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेट यहाँ पे दी गई है, जिससे ये गाड़ी मतलब काफ़ी ऊंची है, मतलब मेरी हाइट 5-10 समझ लो, तो उससे भी ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है। एक बार मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो इसके लिए ये ऑफ़र की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीजल के लिए यहाँ पर टैंक दिया गया है, यहाँ पर आप डीजल भरवा सकते हैं। बाकी यह है गाड़ी का साइड लुक। दोस्तों हम हो चुके हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी महिंद्रा के नए लोगों की तरफ, तो यहाँ पे एक छोटा सा लोगो दिया है, आगे जितना बड़ा था उतना नहीं है, छोटा सा लोगो है। और उसके बिल्कुल नीचे आप रिवर्स पार्किंग कैमरा देख सकते हैं, फोकस में एक बार कर लेता हूँ, ये रिवर्स पार्किंग कैमरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे वाइपर दिया गया है और वॉशर भी यहाँ पे ऑफर किया गया है, एक बार आप देख लीजिए, ये वॉशर है और उसके बिल्कुल नीचे आप ये लाइट देख सकते हैं, पार्किंग लाइट मतलब टेल लाइट देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ दी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बेजिंग दी गई है
और यहाँ पे इसकी एक बार टेल लाइट भी देख लीजिए, ये LED टेल लाइट का सेटअप दिया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो का जो नाम है, जो सिग्नेचर है, यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये एक मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी जो गाड़ी में दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है। और एक बार गाड़ी के हम रिवर्स सेंसर, पार्किंग सेंसर चेक कर लेते हैं कितने दिए गए हैं आखिर यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और यहाँ पे भी पीछे चढ़ने के लिए ये आपको ऑफ़र किया गया है। और यहाँ पे टॉइंग हुक भी दिया गया है, जो आप इसे दूसरी गाड़ी को आप टॉ कर सकते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं क्रोम का भी यूज़ यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ आपको मिलता है। यहाँ पे नंबर प्लेट रखने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। तो ये था बिल्कुल गाड़ी का पीछे का लुक। आई होप मैंने आपको सब कुछ बताया हो। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डीफोगर भी आप देख सकते हैं ऑफ़र किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डीफोगर, तो यहाँ पे आपको डीफोगर भी ऑफ़र किया गया है। तो ये था गाड़ी का पीछे का लुक। अब हम चलेंगे गाड़ी के अंदर और देखेंगे गाड़ी के अंदर आखिर क्या क्या ऑफ़र किया गया है। और ये मैंने बचा, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इसके डोर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर अनलॉक के लिए करने के लिए यहाँ दिया गया है। और यहाँ पे मैट फिनिश दिया गया है, ये ग्लोसी नहीं है, मैट फिनिश है। और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, लेकिन उस पर थोड़ा सा लेदर जैसा फील आ रहा है, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों विंडो के पावर अप डाउन बटन दिए गए हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है, आप यहाँ पे कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे। और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है थोड़ी सी, लेकिन इसमें आप पानी का बोतल नहीं रख पाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगा ये चीज़ कि आप पानी का बोतल यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। बाकी स्पीकर की प्लेसिंग यहाँ पे दी गई है। और बिल्कुल बेसिक सा आपको यहाँ पे, मैं बोलूँ तो अगर मुझे ये बिल्कुल बेसिक लगा, आप मुझे अपनी तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि बॉटल तो यार ऑफ़र करना चाहिए था यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर आखिर क्या क्या दिए गए हैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। मैं दरवाजे को बंद कर देता हूँ, इवन दरवाज़ा क्लोज किया। और तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको वाइड एंगल से एक बार दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं इसका जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, मतलब ये जो मुझे स्टीयरिंग व्हील है ना, ये मुझे टाटा की थोड़ी सी याद दिलाता है, क्योंकि टाटा हैरियर में बिल्कुल ऐसा ही मिलता है। लेकिन ये मुझे काफ़ी पसंद आता है, जो थ्री जो डी कट आता है ना, उससे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये गाड़ी चलाने में मतलब एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस लगता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो दिए गए, और यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल दिए गए सब। यहाँ पे फ़ोन आप रिसीव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन और सब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का आपको बटन दिए गए, सेट रीसेट और क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़ करने का ऑन करने का बटन यहाँ पे दिया गया है आपको। तो इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़र किया गया है। बाकी यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हैलोजन हेडलैम्प्स है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, उसके बटन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये थी इसके स्टीयरिंग व्हील की बात। अभी बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पे आपको पूरा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं गाड़ी को एक बार आपको ऑन करके भी ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं दूसरी। दोस्तों यहाँ पे आपको AC वेंट्स की प्लेसिंग दी गई है। इस गाड़ी में टोटल 6 AC वेंट्स मिलते हैं, और यहाँ से आप इसका ब्लोअर कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आप डीजल डलवाने के लिए जो टंकी है वो खोल सकते हैं, ये जो हाई बीम लो बीम की लाइटें हैं उसे अप एंड डाउन करने के लिए। और यहाँ पर आपको OVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक लग रहे हैं। बाकी इसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं क्लच पेडल और एक्सेलेटर का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे प्लेसिंग दी गई है हुड खोलने के लिए आगे की, जो मैं आपको एक बार खोल के ज़रूर दिखाऊंगा। इस यहाँ पे इस जगह पे प्लेसिंग दी गई है। और अब बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह दी गई है जहाँ पे आप अपना गॉड आइडल रख सकते हैं। उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे AC की प्लेसिंग दी गई है। इसका ब्लोअर भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। और उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं बड़ी सी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है, जो 9 इंच की है। और उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं AC के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऑटोमेटिक AC यहाँ पे ऑफर किया गया है, ब्लोअर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे सारे मोड्स दिए गए हैं। और उसके बिल्कुल नीचे डिफॉगर का ऑप्शन, AC ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, पार्किंग लाइट्स, यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं बिना चाबी के, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं थोड़ी सी प्लेसिंग यहाँ पे दी गई है, कुछ सामान आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आप 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे देख सकते हैं, जो महिंद्रा की तरफ से ऑफ़र किया गया है। मैं आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम एक बार चालू करके भी दिखाऊंगा।
तो उससे पहले दूसरी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप गियर नॉब देख सकते हैं, 6-speed मैनुअल यहाँ पे गियर नॉब दिया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी मतलब फिनिश दी गई है जो थोड़ी सी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ थोड़ा सामान अपना रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की बोतल आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है। और ये इसका हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं, इसका हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो की बैजिंग यहाँ पे भी दी गई है, जिससे एक फील आता है मतलब कि आप स्कॉर्पियो चला रहे हैं। बाकी इसका ग्लव बॉक्स देख लेते हैं एक बार ओपन करके। हम देख सकते हैं स्पेस के मामले में ठीक बोलूँगा, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी यार कूल ग्लव बॉक्स दे देते महिंद्रा वाले तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे रह रही है, तो ये थोड़ा सा खटकता है कि फिनिश थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। गाड़ी को रगड लुक दिया है ये सब बात है, लेकिन थोड़ी सी फिनिश थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है अलोन अलग से, और यहाँ भी अलग से दिया गया है आर्मरेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पकड़ के आप दरवाज़ा खींच सकते हैं, क्योंकि इसका दरवाज़ा सच में बहुत ही भारी है। मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी एक बार इसके थर्ड साउंड ज़रूर सुनाऊंगा, तो उसके लिए बने रहिए। बाकी अब बात करें इसके आईआरवी के बारे में, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैनुअल आईआरवीएम दिया गया है, मतलब इतनी महंगी गाड़ी और यहाँ पे भी मैनुअल आईआरवीएम। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सनग्लास होल्डर यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे माइक दिया गया है, और यहाँ ये बटन कुछ भी काम के है नहीं। नो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग लाइट लैंप दिया गया है, ये कुछ ऐसा। इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सकती थी मेरे हिसाब से, ये मतलब बहुत ही अलग लग रहा है। ये दोनों आप देख सकते हैं, आपको भी शायद फील होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये काफ़ी अलग लग रहा है। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं वैनिटी मिरर ऑफ़र किया गया है या नहीं एक बार। हाँ बस अभी देख लीजिए, नहीं यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर ऑफ़र नहीं किया गया है। और यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर ऑफ़र किया गया है विदाउट लाइट। तो ये था कुछ गाड़ी का आगे का लुक। अभी हम एक बार गाड़ी को ऑन करके इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख लेते हैं और इसके टच स्क्रीन रिस्पॉन्स को देख लेते हैं। दोस्तों अब मैं गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ, एक बार आप इसका वाइब्रेशन भी चेक कर लीजिए। ये मैंने गाड़ी को, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा वाइब्रेशन, मैंने गाड़ी को ऑन कर दिया है। अभी हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार देख लेते हैं। एसी को मैं ज़रा सा ऑफ कर लेता हूँ, ये एसी ब्लोवर डाउन, ब्लोवर भी डाउन और ऑफ, और ब्लोवर को भी मैंने ऑफ कर दिया तो साउंड नहीं आएगा। अभी देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब यहाँ पर एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, पूरा सा बेसिक लगता है मुझे। थोड़ा सा अगर डिजिटल दे देते, सेमी डिजिटल भी दे देते तो बहुत ही अच्छा लगता। हाँ ये देसी कार है, लेकिन देसी में भी कुछ सुधारा जा सकता है। तो यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे सारे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे शो हो रही है, स्पीडोमीटर है और यहाँ पे आरपीएम मीटर है। बाकी बात करें इसके अब इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, तो इसे देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये मतलब आफ्टर मार्केट लगाई गई है। और इसका आप एक बार इसका आप देख लीजिए जो लेआउट है, मतलब कहीं से भी ये प्रीमियम मुझे लग नहीं रही है। एक बार इसका टच स्क्रीन हम रिस्पॉन्स देख लेते हैं। ये एप्स, ये देखिए ये इसका रिस्पॉन्स है, मतलब ठीक ठाक मैं बोल सकता हूँ, इतना बढ़िया नहीं। ये आप देख लीजिए, हाँ ये देखिए पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि फ़ोन को इसमें घुसर दिया है। और ये देखिए कितना लैगी लग रहा है, इसे महिंद्रा ने अगर सुधारा होता तो बहुत ही अच्छी बात थी। एक बार आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए, और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाएगा, लेकिन इसको सुधारा जा सकता था, बाकी महिंद्रा जाने। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और देखते हैं कि पीछे की तरफ आपको क्या क्या ऑफ़र किया गया है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं पीछे के डोर की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही मैट फिनिश दी गई है और पूरा प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आपको कोई भी मतलब वो कॉइन वाला आगे जो स्पेस था यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता है। विंडो पावर अप एंड डाउन का बटन यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है जहाँ पे आप मोबाइल नहीं रख पाएंगे। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई भी मोबाइल नहीं आ पाएगा, मतलब आप सोच ले आप क्या रखें, वो महिंद्रा जाने और आप जाने। और यहाँ पे आपको बॉटल का जो आगे नहीं दिया गया है ऑप्शन, वो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल रख पाएंगे। बाकी स्पीकर का ऑप्शन तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, अभी देखते हैं अंदर कौन सी जगह पे स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है। और चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर, तो चलिए हम चलते हैं गाड़ी के अंदर
और यहाँ पे हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो एक बार मैं दरवाजे को क्लोज़ कर लूँ और यहाँ पे मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर और आगे की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुई हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना मुझे लेग रूम मिल रहा है जो काफ़ी अच्छा है और मैं ऐसे अच्छे से बैठ पा रहा हूँ शांति से। तो ये इसका लेग रूम था। अभी बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी वेंट्स यहाँ पे दो दिए गए हैं, इसका ब्लोअर यहाँ पे, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही मीडियम है, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ही मीडियम है इसकी क्वालिटी। बाकी यहाँ पे दो कप होल्डर्स दिए गए हैं लेकिन यार वो टेढ़े दिए गए हैं, मतलब ये किस काम में आएंगे, आप टेढ़े ग्लास थोड़ी ना रखोगे इस कप होल्डर में। तो ये महिंद्रा को सोचना चाहिए था। बाकी आप पीछे का देख लीजिए, एक बार मैं अपना हेडरूम भी दिखा दे रहा हूँ आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5'10" है और हेडरूम के मामले में तो बॉस स्कॉर्पियो ही बॉस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा हेडरूम मुझे मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पे 3 एडल्ट आराम से आ जाएंगे। मैं एक दूसरे एडल्ट को यहाँ पे बिठा के आपको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट। दीपक, ओ दीपक इधर आओ। तो मैं एक बार उससे, मेरा फ्रेंड है जो दीपक, उसको मैं बिठा के आपको एक बार स्पेस दिखाना चाहूँगा कि कितनी स्पेस मिलती है। उस साइड के दरवाजे से गाड़ी में बैठ जाओ ना, तो एक बार आप एंटर होते हुए देखिए गाड़ी में कैसे बंदा बैठ लेता है इस गाड़ी में। तो इस तरह से आपको गाड़ी में बैठना होता है। और यहाँ पे आप हेडरूम देख ले इस बाइक का, ये इस बाइक की हाइट भी 5'10" या 5'11" के आसपास होगी। तो हेडरूम काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, मतलब आगे की बजाय पीछे कंफर्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है। ड्राइवर के हिसाब से मुझे पीछे जो बैठ रहा है उसका कंफर्ट ज़्यादा लग रहा है। मतलब तीन, क्या यहाँ पे 3 एडल्ट और एक चौथा, मतलब छोटे बच्चे भी, छोटा बच्चा भी यहाँ पे चौथा आ जाएगा। तो स्पेस यहाँ पे पीछे काफ़ी अच्छी दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है लेकिन कप होल्डर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो शायद कप होल्डर देना चाहिए था क्योंकि ये एक मतलब माफिया गाड़ी है, तो समझ सकते हो कि उसकी ज़रूरत यहाँ पे ग्लासेस रखने के लिए पड़ती है। तो कप होल्डर यहाँ पे नहीं दिए गए। और ये दो कप होल्डर है जो बिना काम के दिए, ये टेढ़े हैं, तो यहाँ पे ग्लास कैसे रहेंगे। तो माफिया गाड़ी है लेकिन ग्लास रखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये एक बात मुझे खटक रही है, जो महिंद्रा अगर सुन ले तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दो दिए गए हैं, बीच में यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग लैंप यहाँ पे दूसरा दिया गया है और उसकी क्वालिटी भी आप जो पहले थी वही है। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ और देखेंगे वहाँ कितना स्पेस है, सीटों को लगा के भी दिखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्पीकर भी, आप देख ले एक बार, यहाँ पे दो स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है। तो बाकी दो नीचे दिए गए हैं, एक बार आप यहाँ पे भी देख लीजिए। तो 6 स्पीकर यहाँ पे कुल आपको मिलते हैं। बाकी चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और देखते हैं कितनी स्पेस आपको मिलती है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको दूसरा भी फ्यूल डलवाने के लिए टैंक आपको दिख रहा होगा, इसमें एड ब्लू आता है जो हर 7,000 किलोमीटर पे इसमें डलवाना होता है महिंद्रा के लिए। बाकी अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर आखिर पीछे की तरफ कितनी स्पेस मिलती है। लेकिन ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगी महिंद्रा की तरफ से, इसे सुधारा जा सकता था, ये अच्छा हो सकता था क्योंकि गाड़ी इतनी महंगी है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर। और ये मैंने इसको ओपन किया और ये इतना वाइड खुलता है, एक बार मैं आपको पूरा खोल के दिखा दूँ। बस ये इतना वाइड खुलता है, पूरा मतलब 90 डिग्री आप मान सकते हैं कि पूरा 90 डिग्री ये खुलता है। बाकी स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी मिलती है। बाकी स्पेस मुझे अच्छी लगी, जो पुरानी स्कॉर्पियो है उससे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ से एक बार मैं आपको सीटें दिखा दूँ नीचे करके कि कितनी कंफर्ट रहती है। ये नई गाड़ी है तो ये ऊपर नहीं हो रही है, एक बार मैं ऊपर कर लूँ, सीटें गिरा दूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैंने सीटों को नीचे कर दिया है और आप देख सकते हैं स्पेस इतना मिलता है। मैं भी बैठूँगा और ये मेरा फ्रेंड भी बैठेगा और देखेंगे कि दोनों के पैर कितने एक दूसरे को टच होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडल दिया गया है ऊपर चढ़ने के लिए, तो मैं इसी के सहारे ऊपर चढ़ जाऊँगा। देख सकते हैं मैंने ये चढ़ गया हूँ और ये मैंने यहाँ पे बैठ गया हूँ। तो बैठने के बाद आप थाई सपोर्ट एक बार देख लीजिए, थाई सपोर्ट अच्छा है मुझे जो लगता है 7 सीटर कार में थाई सीट ये काफ़ी अच्छा है। आगे का थाई सीट भी मैं आपको एक बार थाई सपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, इसके एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। दीपक एक बार आप अंदर बैठ जाइए और अभी देखते हैं
आपकी टच होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों के पैर मतलब टच तो हो रहे हैं लेकिन कंफर्टेबली बैठ तो पा रहे हैं थोड़े से। इतना भी नहीं है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। बैठ सकता है बंदा, 150-200 किलोमीटर काट सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक बार दरवाज़ा भी हम बंद करके देख लेते हैं। ये अभी थोड़ा सा सफोकेटिव लगेगा लेकिन यहाँ से वहाँ से विंडो थोड़ी सी ओपन होती है तो बढ़िया चीज़ है। हाँ, यहाँ से थोड़ी सी विंडो ओपन होती है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको ओपन करने से विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह से कुछ। तो यहाँ से आप एयर पास हो जाएगी आपकी, तो ये आपको सफोकेटिव फील नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं हेडरूम एक बार चेक कर लेते हैं। ये दीपक बैठे हैं और उनकी हाइट के हिसाब से इतना मिल रहा है उनको हेडरूम। इनकी हाइट है 5'10" और मेरी भी 5'10" के आसपास ही है। इनकी 5'11" शायद 5'10" है और मुझे भी इतना ही हेडरूम मिल रहा है, आप देख ले एक बार। तो ये है हेडरूम की बात। बाकी यहाँ पे भी एक बार आपको हैंडल ऑफर किया है जो आप पकड़ के यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी जंप बहुत होती है, सबको पता है कि ये गाड़ी जंप होती है, तो यहाँ पे भी ऑफर किया है। बाकी एक बार मैं आपको थाई सपोर्ट आगे का दिखा दूँ और फिर बात करेंगे गाड़ी की ऑन रोड प्राइजेस के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे गाड़ी की सेफ्टी के बारे में, उसके थर्ड सुनेंगे, उसका मेटल देखेंगे, मेटल देखेंगे कितनी बढ़िया आपको दिए। बाकी ये अभी मुझे लाइट हुआ, इन्होंने ये दरवाज़ा खुला नहीं था। ये जो साउंड है ये बिल्कुल नई गाड़ी है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगभग 10-12 दिन हुए होंगे। लेकिन ये साउंड देखिए, एक बार दरवाज़ा क्लोज़ कीजिए, जो साउंड आ रहा है ना वो आप देखिए, क्लोज़ कीजिए, थोड़ा जोर से कीजिए। ये पूरा बंद हो गया, अभी इसे खोलिए। पहले आया था, अभी साउंड नहीं आया, मतलब ये साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब ये महिंद्रा जाने ग्रीसिंग अच्छे से नहीं की होगी सर्विस में, तो ये हो सकता है। बाकी ये दीपक उतर रहे, आप देख सकते हैं। अभी एक बार मैं आपको थाई सपोर्ट दिखा दूँ पीछे की सीट का और फिर बात करेंगे जो मैंने की है। तो ये मैं आ गया अंदर और थाई सपोर्ट आप देख लें, बहुत ही बढ़िया है। मतलब पीछे की सीट मुझे यार बॉस टाइप लगी, बहुत ही कंफर्टेबल। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइजेस के बारे में और दूसरी बात। तो प्राइस की बात करने से पहले मैं आपको इसका एक बार इंजन दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महिंद्रा का 2.2 लीटर एमहॉक इंजन है और इसमें आपको 130 BHP की पावर और 300 Nm का टॉर्क मिलता है। और ये एक डीजल इंजन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कूलेंट वगैरह, ये कूलेंट आप देख सकते हैं पर्पल कलर का कूलेंट यहाँ पे दिया गया है और एमरॉन की बैटरी ऑफर की गई है। बाकी इंजन कवर आपको यहाँ पे दिया गया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी ये इसका इंजन और यहाँ पे एक चीज़ मुझे पसंद आई इस स्कॉर्पियो में जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, हाइड्रोलिक आपको यहाँ पे दिया गया है बम्पर। तो आप देख सकते हैं पूरा हाइड्रोलिक बम्पर यहाँ पे ऑफर किया गया, जो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डैम्पिंग बहुत ही अच्छी की गई है जिससे नॉइज़ गाड़ी में ना आए डीजल इंजन की। और पहले से काफ़ी इसका डीजल इंजन काफ़ी अच्छा हो गया है, अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो मैं एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसको ऑन कर दिया है, तो एक बार आप इसका साउंड सुन लीजिए। डीजल इंजन है एमहॉक और आप इसका साउंड सुन सकते हैं, ये कुछ इस तरह से वाइब्रेशन आप देख सकते हैं। मैं कुछ आपको अगर रख के दिखाऊं तो इसका वाइब्रेशन, मैं अपना फ़ोन ही रख के दिखाता हूँ, एक बार इसका वाइब्रेशन देख लीजिए, ये इसका वाइब्रेशन है। तो ये इसका वाइब्रेशन है और एक बार मैं आपको इसको जो हुड है वो बंद करके भी इसका साउंड सुनाऊंगा कि कितना साउंड ये बार देता है। एक बार इसके हुड को क्लोज कर देते और ये इतना साउंड आपको बार सुनाई देगा क्योंकि एक डीजल इंजन है। और आप नज़दीक से भी एक बार सुन लीजिए, ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। बाकी महिंद्रा ने इंजन में तो काफ़ी बढ़िया काम किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजेस और सेफ्टी के बारे में। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइजेस के बारे में। तो आपको महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक S11 ऑन रोड 18,68,000 रुपये में मिलती है, जो कि इस गाड़ी की प्राइस है। मतलब स्टेट वाइज डिफरेंस हो सकता है, कीमतें बढ़ सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है जहाँ से ये कार ली गई है उनको ये 18,68,000 रुपये में पड़ी है। अब बात कर लें इसके सेफ्टी के बारे में, तो एक बार मैं इसका आपको डोर का थर्ड सुना दूँ। तो ये मैंने दरवाज़ा खोला, एक बार आप इसका थर्ड सुन लीजिए। तो ये इसका थर्ड है, तो मतलब
जो पहले स्कॉर्पियो थी 0 स्टार लाई थी उससे ये काफ़ी अच्छा मतलब क्वालिटी में इम्प्रूव किया है इसका। एक बार इसका साउंड भी सुन ले, यहाँ पे फेंडर पे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गाड़ी का फेंडर है वो ही, उसके आसपास कुछ होता नहीं है, तो वो मतलब साउंड में ज़्यादा पता चलता है कि क्या क्वालिटी है मेटल शीट की। तो देख ले, मारुति से तो काफ़ी अच्छी है। तो एक बार मैं आपको दरवाजे पे भी दिखा दूँ, मतलब काफ़ी बढ़िया, मतलब यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है। जैसे कि आपको बताए, ये नई स्कॉर्पियो 5 स्टार स्कोर किए हुए है, तो सेफ्टी के मामले में तो नो कॉम्प्रोमाइज़ है। बाकी ये थी पूरी बात स्कॉर्पियो S11 क्लासिक के बारे में। आई होप मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। बाकी अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जिनको स्कॉर्पियो S11 क्लासिक लेनी है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो मुझे लगता है कि ज़रूर हेल्प करेगा, उनको लेनी चाहिए नहीं। बाकी लुक के मामले में इस गाड़ी को मैं 10 में से 9 नंबर तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि लुक के मामले में बहुत ही बढ़िया मस्कुलर लग रही है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और मैं मतलब गाड़ी का जो भी मतलब सही चीज़ होती है वही बताने की कोशिश करता हूँ कि ये गाड़ी में ये चीज़ बहुत ही अच्छी है और ये सही नहीं है। तो ऑनेस्ट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।